सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है सीमा और आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ फिर से मेरे एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के जोहार वेली मुंशहरी के इस खूबसूरत से क्षेत्र से। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए फिर दोस्तों आज की नई ब्लॉगिंग की शुरुआत भी कर ही लेते हैं। अभी हो रहे हैं दोस्तों शाम के 3 और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, क्योंकि दोस्तों कल है करवा चौथ तो मम्मी का ना थोड़ा बहुत सामान खरीदना है, तो इसी वजह से दोस्तों हम लोग जा रहे हैं करवा चौथ का सामान वगैरह खरीदने के लिए। मम्मी बेचारी का स्वास्थ्य खराब होने के चक्कर से दोस्तों मार्केट जाने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, तो अभी मैं और मम्मी, माही और दीदी आ रही है, तो हम सभी लोग जा रहे हैं मार्केट। बाकी अभी मौसम की बात किया जाए तो बारिश स्टार्ट हो गई है, झुमझुम झुमझुम रिमझिम रिमझिम वाली बारिश हो रही है, हल्की हल्की वाली, देखते हैं कितना होता है बारिश। और अभी दीदी भी नहीं आई है तो मैं दीदी का ही वेट कर रही हूँ, बाकी रेडी वगैरह तो मैं हो ही गई हूँ। तो घर से निकल गए हैं हम लोगों ने, काफ़ी देर दीदी का वेट किया बट दीदी आ ही नहीं रही है, और अभी मौसम थोड़ा ठीक हुआ है तो हम सोच रहे कि जैसे मौसम अच्छा हुआ है तो हम निकल जाए, क्योंकि हमारे वहाँ एक ही छाता है और मम्मी बेचारी का ना तबीयत ख़राब हो रहा है तो भीगेंगी जो और ख़राब हो जाएगा, और उनको कल फास्ट भी रखना है। तो अभी मौसम थोड़ा ठीक था तो हम लोग निकल गए हैं घर से, बाकी दीदी आ ही जाएगी क्योंकि हम लोग मार्केट के नज़दीक ही रहते हैं। तो गाइस मेरे साथ है माही। हेलो माही। हेलो, कैसे हो? तू भी जा रही है करवा चौथ का शॉपिंग करने? हाँ। मैं भी जा रही हूँ अपने उस मैं भी तेरे तेरे जीजू के लिए। मम्मी मैं तेरे जवाई के लिए। अच्छा मम्मी यहाँ देख तो दो, यहाँ देखो ना, ये देखो गाइस मम्मी का मुंह रंग हो रहा है बुखार आ के। मम्मी रखूँ क्या व्रत आपके जवाई के लिए? यहाँ देखो क्या बोलो, रखूँ आपके जवाई के लिए? खुश हो आप? पापा को मत बताना, चुपके चुपके कल फास्ट रखूंगी मैं, ठीक है? तो हमें परमिशन मिल गया दोनों बहनों को, कल हम चुप चुप के फास्ट रखेंगे, है ना? ये हो फूल अच्छी, मम्मी को ना नजर पड़ गया मार्केट में और वहाँ पे ना फूल वूल रखा है पॉट वाला, तो मम्मी बोले पाओ फूल ना होने। मम्मी जहाँ पे फूल देखती ना, ओरिजिनल फूल हो या प्लास्टिक का फूल हो, मम्मी को दोनों ही पसंद आते हैं, तो मम्मी ने देख लिया, तो मम्मी पूछ रहे की वो भी पूछेंगे लेके आएंगे बोल रही है। तो गाइज हम लोग मार्केट में पहुंच गए हैं और हमारा सेरू भी देखो यहाँ पे को अपने गर्लफ्रेंड के साथ, वो भी आया करवा चौथ की शॉपिंग करने के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले हम जा रहे हैं रविदा की दुकान पे कपड़े वगैरह देखने के लिए। यहाँ पे मम्मी अभी देख रही है पापा के लिए स्वेटर, ये ब्लैक वाला देख रहे हैं पहले तो, क्योंकि पापा को अलतरे हैं जल्दी जल्दी कपड़े गंदे करते हैं। तो इसलिए हम लोग ये मैल खोल कपड़ा लेके जा रहे हैं ताकि इसमें गंदा दिखे भी नहीं। गाइज आप देख सकते हैं सभी दुकानों में ना दिवाली के सामान लग गए हैं, तो मम्मी सबसे पहले ये फूल के वहाँ पे गई है, ये देखो। रविदा के वहाँ से दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे केडीबैक के दुकान पे, वहाँ पे भी देखते हैं। तो ये रही दोस्तों केडीबैक की शॉप, और यहाँ ना आज महिलाओं की बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो रही है, ये देखो सब अंदर पे शॉपिंग कर रहे हैं अपने अपने पतियों के लिए या अपने लिए। कर फिर कर, तेरे बड़े आते लपक जा करवा चौथा शॉपिंग कर लाए। हाँ वही होता है बहन, चल अंदर तेरे नया नैल, जब तेरे करवा चौथा बर्तन तेरे बेचते दे गए, उससे अच्छा ये वाला लग रहा है ऊपर हाफ वाला, मेरे को भी पसंद आया था। चलो 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 अंदर चलो, ये देखो गाइस भीड़ पहुंच गए केडी बैग दुकान पर। हम लोग पिछोरे देख रहे मम्मी के लिए, पिछोरा वही तो बोलते हैं, बिचौरा ही तो बोलते हैं, मजाक रहा है पत्थर पिछोरा ही बोलते हैं, पिछोरी हिंदी पहाड़ी में करेंगे पिछोरी। ये देखो कौन सा अच्छा लग रहा है, ये ग्रीन कलर का इसका पट्टी है और ये रेड कलर का है, लेकिन मेरे को ग्रीन वाला पसंद आ रहा है। मम्मी आपको अच्छा लग रहा है? ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है ना? हाँ आंटी जी को भी दिखाओ, वो बोल रही ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है, ग्रीन वाला अच्छा लग रहा है। एक सौभाग्यवती वाली थी मम्मी पाई था, नहीं मेरे को वही पसंद आया, यही वाला ना। हाँ। मम्मी बताएंगे अब, मम्मी मम्मी को आना बॉय। ये देखो दोस्तों भीड़ बहुत है ना, तो हल्ला शोर शराबा बहुत ही ज्यादा है। ये देखो ओढ़ो ना एक बार सर पे, तो ओढ़ो मम्मी, देख मम्मी को दिखा रहे कैसे जो लग रहा है, ये ऐल नहीं दिखे न्यारे ब्यूल। मम्मी को बुखार आया, वैसे ही मम्मी का हालत डाउन है। मम्मी को ना सूट भी पसंद आ गया वेलवेट में, यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग खोल के एक बार, मैरून कलर का प्यारा लग रहा है, खोलो ना पलटना इसको एक बार, इधर को गाइजो को भी दिखाओ, नहीं ये ब्यूल लग रहा है। गाइज ये है दुपट्टा,
और ये है सूट वेलवेट का है, मेहरून कलर का, काफी अच्छा लग रहा है। टूरिस्ट वाले भी आए हैं यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए, बाकी बाहर से भी लोगों का आने का सिलसिला जारी है, सभी आ ही रहे हैं। सभी लोगों की करवा चौथ की शॉपिंग चल रही है, केडी भी अगले अच्छा खासा खा रहे हैं। केडी भैया के दुकान से दोस्तों हम लोग ऊपर साइड को जा रहे हैं अभी, क्योंकि मम्मी लोगों को लेना है चूड़ी वगैरह। वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ थी तो हम लोग ना पेमेंट करके भी नहीं आए हैं, सामान अभी वहीं पे रखवाया है। अभी दोबारा जाएंगे हम लोग और पेमेंट वगैरह भी करेंगे। बाकी अभी मम्मी को सिंगार का सामान लेना है अपने लिए भी और जो 5 महिला को देते हैं तो उनके लिए भी, तो हम ऊपर साइड को जा रहे हैं अभी। बाकी दोस्तों आप देख सकते हैं सारे दुकानों में दिवाली की तैयारी चल रही है, सारा दुकान बिल्कुल हरा भरा, पीला नीला जो भी है वो दिख रहा है, फूल के माले टंगे हुए हैं सारे दुकानों में। दीदी भी आ गई है यहाँ पे, नमस्ते दोस्तों। दीदी भी बड़ी मुश्किल से पहुँच गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं मेल बाजार, तो हम लोग पहुँच गए हैं अभी कॉस्मेटिक के शॉप पे। यहाँ पे सबसे पहले बिंदिया ले रहे हैं, चूड़िया प्लास्टिक की चूड़िया है जो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पायल भी लगे हुए हैं अलग अलग वैरायटी के, अलग अलग डिजाइन के। ये देखो जाग लल इन चैनल जद्दी पसंद करा, ये देखो ये पसंद आया है मम्मी और दीदी को। एक दीदी ने लिया है और एक मम्मी ने लिया है, ज्यादा झुमझुम चुमचुम वाला नहीं है और ये नया भी चला है ऐसा बता रहे। देखिए काफी अच्छा लग रहा है, सिंपल सा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। हम लोगों ने कॉस्मेटिक का शॉपिंग करके हम लोग ऊपर को जा रहे हैं और आज मार्केट में बहुत चहल पहल देखने को मिल रहा है। हेलो नबू भैया, नमस्ते, कैसे हो? और सही चल रहा है किला तो चाह पिलो रुत्ते गिला के दिने हैं। अभी हम लोग ऊपर वाली दुकान पे आ गए हैं, ये रही करवा माता का जो फोटो है वो भी लेके जाना है क्योंकि हर साल इसको बदलते हैं ऐसा बोलने ऐसा सुनने में आया था, पता नहीं मेरे को तो ज़्यादा नहीं पता। बाकी यहाँ पे ना जो पूजा का जो होता है ना छन्नी वगैरह लोटा वगैरह वो ना एक से एक वैरायटी के आए हैं, बहुत मस्त मस्त लग रहे हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। तो ये देख सकते हो दोस्तों कितना मस्त लग रहा है डिजाइन डिजाइन। यार मुझे भी बोल में ना सारा मार रही क्योंकि मेरी मैडम आई बगल। अच्छा आप ब्लॉगर हो ना सीमा? हाँ। अच्छा अभी आपको देखे मुझे पता चला। अच्छा देखते हैं ना आपका ब्लॉग। अच्छा थैंक यू। फिर मैं बोली ये सीमा तो नहीं है। अच्छा। तो गाइज ये देख सकते हैं ये अलग अलग वैरायटी के हैं यहाँ पे को जो कल पूजा में यूज़ होता है, थाली और ये छन्नी और ये लोटा, तो ना कुछ ऐसे डिज़ाइन वाले हैं जो काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहे हैं। ये देख सकते हैं आप बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। ये मैं ले रही हूँ। किसके लिए? ए जी ठुल बेनी का नहीं रहा माए बहन, तेरे नंबर अभी नहीं आएगा, ढूंढ दो ना कोई। मतलब मैं ना कॉमेडी वे मैं उसको मैं हाची ला मान यार बढ़िया लाइन है यो ब्लॉग और हमेशा थैंक यू सो मच ब्लॉग देखने के लिए। और ये देखो दोस्तों बहुत ही बढ़िया बढ़िया डिज़ाइन में यहाँ पे ना ये थाली आ रखे हैं, बहुत ही मस्त मस्त कलर में आए हैं और सभी इतने अच्छे लग रहे हैं ना क्या बताऊँ। इस यहाँ की शॉपिंग तो हो गई हमारे और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे साइड को। तो गाइज अभी हम दोबारा से आ गए हैं दादा की दुकान पे क्योंकि हम लोगों ने जो स्वेटर देखा था हम लोग वही लेके जा रहे पापा के लिए, तो वही स्वेटर लेने के लिए हम लोग दोबारा से आ गए हैं। कि जी बोर्ड ना लानी कह दी स्वेटर मुँह दिखे लगाने ला अब खेल निकल निकल दूँ गाइज, एक ना एक ऐसे मिल ही जाते जो मुँह छुपाते भगवान इस हृदय ने भगवान पप्पू लाला जैसा शेड उन्हें दिए हम थे। आज दोस्तों हर दुकानों में ज्यादातर महिलाएं ही दिख रही हैं क्योंकि उन्हीं का ही दिन है, वो ही कर रहे हैं शॉपिंग करवा चौथ की। नमस्ते नमस्ते डॉग खींचते। तो गाइस दोबारा से हम लोग पहुंच गए केडी भैया की दुकान पे, बट अभी भी ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा भीड़ हो रही है, अंदर घुसने का ना जगह ही नहीं है, बहुत ज्यादा भीड़ हो रही है। भगवान करे ऐसी रोज भीड़ हो केडी भैया और लखपति बने। तो अंदर बहुत ही आज महिलाएं दिख रही है मार्केट में, बहुत ही ज्यादा महिलाएं आई और सभी के आदमी ये झाड़ू वाला सीख है ना वही दिख रहा है। तो सभी लोग शॉपिंग के लिए आए करवा चौथ, साल में एक बार आने वाला हुआ तो पति को लूटने का अच्छा मौका है ये। काश मेरी भी शादी हुई तो मैं भी ऐसे लूटती मम्मी। तो मुझे यहाँ पे ना मेरे वीडियो देखने वाले मेरे फैमिली मेंबर मिल गए हैं यूट्यूब के और इंस्टाग्राम पे भी देखते हो। कौन सा वाला अच्छा लगता है? पहाड़ी वाला अच्छा लगता है, हिंदी वाला? पहाड़ी वाला। नमस्ते दोस्तों बोल दो ना फिर।
थैंक यू सो मच, आप लोग ऐसे ही प्यार करते रहना, वीडियो देखते रहना। थैंक यू, थैंक यू सो मच। आप भी ऐसे हर साल करवा चौथ मनाते रहो, हमारा भेंटघाट होते रहे। आपकी हो गई शॉपिंग? नहीं अभी आए हैं। अच्छा कहाँ रहते हो आप? यहाँ? अच्छा अच्छा, चलो नज़दीकी है। चलो फिर बाय बोल लो। इस दीदी ने भी ले लिया है यहाँ पे वेलवेट का सूट, तो बधाई आपको बहुत बहुत। इस बार दीदी ने साड़ी की शॉपिंग नहीं करी है, तो ये सूट लिया है दीदी ने नया, बहुत मस्त लग रहा है। चलो फिर चलो, बनने के बाद और प्यारा लगेगा, वो अच्छा लग रहा है। चलो फिर पाँचों झाल में मंदिर मामा पहन पजामा। तो चलिए दोस्तों, जितना भी हम लोगों को शॉपिंग करना था, भले थोड़ा बहुत क्या, लेकिन बिल तो अच्छा है और सामान कुछ दिख नहीं रहा है दोस्तों। यार पैसे की वैल्यू कितनी हो गई है ना, बाप रे सामान इतना कम लग रहा है और पैसे इतने ज़्यादा लगे। तो जितना भी हम लोगों को शॉपिंग करना था हम लोगों ने कर लिया है, और अभी हम लोग जा रहे हैं घर की तरफ को। अभी हम लोग दोस्तों गांव वाले रास्ते में पहुँचे हैं। मेरे साथ वाले ये हैं, सबके हाथ में पुंदर है, मतलब शपनाथ मान दीदी जल से। ये देखो दीदी के हाथ में भी है, माही के हाथ में भी है, मम्मी के हाथ में भी है, और एक मेरे हाथ में भी है। तो हम सभी लोग जा रहे हैं अभी घर के तरफ को। हम लोग भी पहुंच गए दोस्तों मार्केट से शॉपिंग वगैरह करके। जितना भी था थोड़ा बहुत हम लोगों ने शॉपिंग कर लिया है। मम्मी का तो स्वास्थ्य वैसे भी खराब था, और उतने में हम लोग भूल गए कि मम्मी ने तो चूड़ी पहना ही नहीं। अभी घर जाके याद आ रहा है, अभी घर आके याद आ रहा है कि मम्मी के हाथों में चूड़ी डलवाना था, मम्मी ने डलवाया ही नहीं है। तो देखते हैं कल ही डलवाती है या फिर आज डलवाएगी, पता नहीं। तो हम लोग पहुँच गए घर पर, और क्या क्या लाया है वो अभी आपको बताएंगे हम लोग। और अभी माही चाय बना रही है, दीदी को चाय पिलाते हैं। दीदी भी यहीं पे है। हेलो कैसे हो? बढ़िया। अरे दोस्तों यहाँ पे चाय पानी भी हो गया है, और चाय वगैरह पी के दीदी भी चले गई है घर पे। बाकी दोस्तों क्या क्या मैंने आज शॉपिंग करी वो आपके साथ भी शेयर करते हैं, क्या क्या हम लोगों ने आज खरीदारी करी। हमने तो नहीं, मम्मी ने क्या क्या खरीदारी करी वो आपको दिखाती हूँ, ठीक है? तो दोस्तों जो भी हम लोगों ने शॉपिंग करी है वो मैंने यहाँ पे टेबल में लगा दिया है। अभी आपको एक एक करके दिखाते हैं हम लोग क्या क्या लेके आए हैं। पहले तो मम्मी की शॉपिंग दिखाते हैं, बाकी जो और है वो अभी बाद में दिखाएंगे, ठीक है? तो सबसे पहले तो ये देखिए दोस्तों, ये है मम्मी जी का सूट। आजकल वेलवेट वाले सूट बहुत ही ज्यादा चल रहे हैं, तो ये रेड कलर में था और मुझे काफी पसंद आया। मम्मी वैसे तो नई दुल्हन के लिए है, बट मैंने कहा मम्मी आप ले लो, क्योंकि मम्मी ने ना लाल सूट नहीं पहना अभी बहुत टाइम से, तो जो भी पहना था वो पुराना हो गया। मम्मी से बोला मैंने ये ले लो करके, और ये काफी अच्छा सा है। ये इसका दुपट्टा है, इसमें कुछ ऐसे डिजाइन बने हुए हैं और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। ये ना पार्टी वियर टाइप के है, आप वैसे भी पहन सकते हो और शादी ब्याह में भी ना बहुत ही अच्छा लगेंगे। ये दोस्तों इसका सूट तो कुछ इस तरीके से है, और वैसे तो बनने के बाद और ज्यादा प्यारा लगेगा, अभी उतना ज्यादा नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को। उसके बाद ये देखिए दोस्तों, मम्मी के वहाँ ना ये जो आजकल स्टॉल वाले पिछौरा चल रहे ना वो नहीं था, तो मम्मी ये भी लेके आई है। ये देख सकते हैं इसका लुक कुछ ऐसा आएगा, काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है ये, मतलब 2 साल हो गए इसको, मतलब 1 साल या 1.5 साल से चल रहे ये वाले पिछौड़े, लेकिन ना मम्मी के वहां नहीं था। तो अब आपको दोस्तों पूजा वाला दिखाते हैं सामान क्या क्या मम्मी लेके आई है। सबसे पहले तो ये दिए हैं, तो इसमें 5 दिए और सिंदूर है, तो ये क्या दिखाऊं आपको। और ये भी देने वाला है जो मम्मी और जो महिलाएं हैं, जो विवाहित महिलाएं होती है, सुहाग वाली जो होते हैं उनको दिया जाता है। 5 सुहागों को उनका सिंगार का सामान दिया जाता है, तो बिंदिया इंदिया और बिछिया वगैरह है इसमें। बाकी ये दोस्तों जो कड़वा में डालते हैं, इसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, ये झाड़ू का सीख जैसा जय है। और दोस्तों ये रहा कड़वा, ये देख सकते हैं, ये मम्मी कड़वा लेके आई है और इसी के अंदर डालते हैं वो झाड़ू का सीख वाला। तो ये थाल लेके आए दोस्तों हम कल पूजा के लिए। सबसे पहले तो ये देखो छन्नी है, ये इसी से देखते हैं चंदा मामा को और उसके बाद अपने पति को। तो ये है, और इसके साथ आया एक ये लोटा जो काफी ज्यादा मुझे अच्छा लगा। और इस लोटे में ना दोस्तों ये आपको जो दिख रहा है ये कपड़ा है, पूरा इसमें कपड़ा लगा हुआ है जो काफी अच्छा लग रहा है। और सबसे प्यार तो मुझे इसका दोस्तों थाल लगा, ये थाल है ना ये काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है। साइड से इसके माले लगे हैं वो भी बहुत ही बढ़िया लग रहा है, और ये इसमें दिया और टीका के लिए बना है, ये भी मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा। तो एक बार आपको खोल के ही दिखा देती हूँ। ये देखो दोस्तों ये आप देख सकते हैं काफी बढ़िया लग रहा है, ये बहुत सुंदर लग रहा है। और सबसे मेन तो ये है दोस्तों, ये देख सकते हैं ये है करवा माता का जो फ्रेम है वो लेके आए हैं हम लोग, इसी की कल पूजा होती है और इनको उड़ाने के लिए ये चुन्नी लेके आए। बाकी ये मम्मी का मेहंदी है जो अभी लगाएंगे मम्मी,
और दोस्तों ये दो पन्नी में पापा के लिए है। ये स्वेटर तो आपको दिखाया था ब्लैक कलर का जो पापा के लिए आया है, अंदर से इसका ऐसा है, तो ये जाड़ू के लिए बेस्ट है। तो यही लेके आए हम लोग पापा जी के लिए, क्योंकि यहाँ ना ठंड बहुत ज़्यादा होता है तो गर्म कपड़े ही ज़्यादा चलते हैं। बाकी इस वाले पन्नी में है गर्म पजामे, तो पापा के लिए यहाँ पे पजामे हैं। तो कुछ इतना सामान लेके हम लोग आए दोस्तों मार्केट से। तो चलिए फिर दोस्तों आज के इस ब्लॉग को भी इतना ही रखते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको आज का ब्लॉग पसंद आए। अगर पसंद आए तो उसको लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मैं सीमा आपको मिलती हूँ फिर से एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत जय देव भूमि उत्तराखंड।